देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको बिग ब्लिस। हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मई में भारत के पाम ऑयल के इंपोर्ट का आंकड़ा 7 महीनों में सबसे ज्यादा रहा है। अप्रैल के महीने में यह 15% अधिक रहा था। पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को इसके निर्यात पर बैन लगा दिया था। हालांकि मई के महीने में इसे हटा लिया था। खबरों के अनुसार भारत ने मई के महीने में 6,60,000 टन पाम तेल का आयात किया था, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 5,72,508 टन था। उम्मीद जताई जा रही है कि अधिक आयात से घरेलू बाजार में खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करने वाला देश है। भारत की अधिक खरीद से मलेशियाई पाम तेल की कीमतों को सभी समर्थन मिल सकता है, जिनके रेट पहले से ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं। इंडोनेशिया से भारतीय आयात में मई में गिरावट आई थी, लेकिन भारत मलेशिया, थाईलैंड और पपुआ न्यू गिनी से अधिक पाम ऑयल खरीदने में सफल भी रहा था। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उत्पाद के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि 23 मई से इंडोनेशिया ने निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति भी दी थी और घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा के लिए पॉलिसी तैयार करी। भारत इंडोनेशिया से सालाना करीब 80,00,000 टन पाम तेल खरीदता है। भारतीय बाजार में खाद्य तेलों के कुल उपभोग में पाम तेल का हिस्सा करीब 40% है। दूसरी ओर इंडोनेशिया हर साल करीब 480,00,000 टन पाम तेल का उत्पादन करता है और यह टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन 750,00,000 टन के आधे से भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।